बच्चों, अब हम लोग जो है इस वीडियो में जो तरल गति की बात कर रही है, एक तरलों के यांत्रिक गुण में जो बताया था, एक तरल अस्थायित्व है, एक तरल गति है। अभी तरल अस्थायित्व की ही चर्चा हो रही है कि उसकी स्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ तरल द्रव जो है यहाँ स्थिर है, भरा हुआ है, इसकी हाइट एच है और पार्ट पत्थर का जो है पेटी का क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं, मान लिया एक बेलनाकार बर्तन है जिसका क्या है घनत्व रो है, उसमें जो द्रव भरा गया है बेलनाकार बर्तन में भरा है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। आगे लिखे, मान लिया एक बेलनाकार बर्तन में, मान लिया एक बेलनाकार बर्तन में रो घनत्व का तरल भरा है, बर्तन का क्षेत्रफल ए है। ये एरिया क्षेत्रफल को ए से ही दर्शाते हैं बच्चों, जैसा कि चित्र में दिया गया है। और ऊंचाई h क्या है, और ऊंचाई h है हाइट, हाइट और एरिया हो गया, और तरल का जो घटक है वह क्या है रो है। ठीक है, अब ये देखना है कि तली नीचे की ओर बल लगाता है द्रव जब भी भरा जाएगा, खास करके पेटी वाटर पर ही बल लगेगा, तरल की दीवारों पर भी लगता है लेकिन उतना नहीं जितना कि पेटी पर। अब इस बल के कारण बर्तन की तली पर क्या है, दाब उत्पन्न होता है क्या, तो आप साफ कह सकते हैं कि बर्तन की तली पर लगा दाब क्या या लगा बल तरल अब स्तंभ का क्या होगा, भार होगा। नोट कर लीजिए, देखिए बर्तन की तली पर लगा बल, बर्तन की तली पर लगा बल बराबर होगा, बर्तन की तली पर लगा बल बराबर होगा तरल स्तंभ का भार, तरल स्तंभ का भार, जो तली पर बल लग रहा है वो तरल स्तंभ के भार के कारण है। अब तरल स्तंभ के भार में क्या है, तरल का आयतन है, घनत्व तो है, वृद्धि त्वरण, इसमें क्या क्या है, तरल का आयतन है, वेग घनत्व है और पुनः वृद्धि त्वरण। स्वाभाविक है आयतन है तो उसमें क्षेत्रफल और ऊंचाई भी है, अर्थात आप इसको कह सकते हो क्या, ए यार रोजी क्या एरिया हाइट वैल्यू हो गया, रो घनत्व हो गया, वृद्धि त्वरण हो गया, तो स्वाभाविक है इसी पर जो है आप दाब निकाल सकते हैं। दाब बराबर होता है तरल स्तंभ का भार बटे तली का क्षेत्रफल, क्या निकाल दीजिए, दाब इसको प्रसन्न करते हैं, दाब बराबर तरल स्तंभ का भार
सर्प का हार बटे तली का क्षेत्रफल, जो कि ये आपको दिखा है, तली किसका, तो बर्तन का, तली का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हैं P इक्वल, हार को निकालना है AHOG/A, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, स्वाभाविक है, या आप लिख सकते हैं P equal to what? H O G. नोट किया? अब तरल स्तंभ का ताप P बराबर क्या हो गया? तरल स्तंभ की ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्व त्वरण निकाल सकते हैं। ताप बराबर, ताप बराबर तरल स्तंभ है की ऊंचाई पूरे घनत्व तरल का पूरे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक बात क्लियर हो गया। अब इसी पर जो है निकाल लेते हैं शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन, इसमें शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो बच्चों अब उसी के साथ साथ जो है देखिए शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन भी निकाल लेते हैं। क्या? शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन, जैसा कि देखा वहां शांत जल में ये वस्तु रखी गई है, अब इसमें गहराई के साथ दाब में परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, इसको लिखिए। मान लीजिए शांत जल में या तरल में ये कहीं ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु हैं, एक और दो, दोनों बिंदुओं को दिखाया हूं, एक और दो, एक कहीं ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, फिगर में देखिए आप दो बिंदुओं को हमने दिखाया है, ठीक है, और बिंदु दो से या ऊंचाई पर है, और बिंदु एक बिंदु दो पर दाब क्रमशः जो है P1 और P2 है, चित्र में देखिए। अब वहां देखिए आधार का क्षेत्रफल ए है, ये जो आधार का क्षेत्रफल है P2A है, उसका भी है जिसको P2A पर दाब नीचे से दिखाया और ऊपर से P1A दिखाया, ठीक है। अब यहाँ ये पता करना है परिणामी क्षैतिज बल तथा परिणामी ऊर्ध्वाधर बल दोनों देखिए क्या है, वहां शून्य है क्योंकि जल शांत है, वस्तु भी स्थिर है, इस अवयव पर कार्यरत ऊर्ध्वाधर बल के लिए आप क्या करते हैं? वहां देखिए बगल निर्देशांक में mg, देखिए mg बल नीचे कार्य कर रहा है, दो बल है F1 और F2, वहां लिखिए उपर्युक्त चित्र से, क्या वहां लिखिए उपर्युक्त चित्र से, या फिर इसकी अंग्रेजी भी नोट कर लो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इनसाइड ए फ्लूइड एंड ट्रेस, इनसाइड ए फ्लूइड एंड रेस्ट, यानी ये जल क्या है, शांत है। देखिए चित्र से या चित्र से यानी जो फिगर आपने बना रखा है उसमें देखिए F1 या बोलिए F2, F1 क्या है P1A ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, F1 बराबर P1A ऊर्ध्वाधर नीचे
का जो है पुनः या फिर टू निकाल लीजिए, या टू पी टू ए, अपने चित्र को देखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक पल नीचे काम कर रहा है और दूसरा क्या है ऊपर कार्य कर रहा है, ठीक। अब यहां तीसरी पॉइंट डब्ल्यू निकाल लीजिए, जो भाग एम जी है, क्या डब्ल्यू आर डब्ल्यू बराबर एम जी, आर डब्ल्यू इक्वल एम जी, ये एम जी बराबर किसके है, ए एच रोजी के, किसके बराबर है ए एच रोजी के, ऊर्ध्वाधर है नीचे की ओर, कहां है है नीचे की ओर, जहां वो क्या है वो जो है घनत्व है, ये उधर है नीचे की ओर काम कर रहा है। अब इसी में न्यूटन के गति के दो तीन नियम से निकाल लीजिए, क्या न्यूटन के गति मालूम है, द्वितीय नियम न्यूटन का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मोमेंटम का है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यानी एफ वन प्लस डब्ल्यू माइनस एफ टू, एफ वन प्लस डब्ल्यू माइनस एफ टू इक्वल जीरो, ठीक। फिर इसके बाद सबका मान रखिए, क्या इसका मान क्या है एफ वन का, नहीं रख दीजिए, एफ वन का है पी वन ए, पी वन ए प्लस एफ टू, एफ टू क्या है पी टू ए, यहां पर डब्ल्यू रखा गया प्लस एच ए एच रो जी माइनस पी टू ए इक्वल टू जीरो, ठीक ए एच रो जी। आप देखिए यहां इक्वेट कर दीजिए, इक्वल क्या है पी टू माइनस पी वन, ए कैंसिल हो गया, वो पॉजिटिव और निगेटिव है, पी टू माइनस पी वन क्या हो जाएगा, या पी टू माइनस पी वन इक्वल एच रो जी, इक्वेशन नंबर वन समीकरण एक, पी टू माइनस पी वन इक्वल एच रो जी, एक समीकरण मिल गया आपको। चलिए इसी तरह दूसरा निकाल लेते हैं, क्या अब एक और दो में दाबांतर निकालते हैं एच ऊंचाई पर, उसमें पी वन बराबर पी जीरो क्या है वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडल खुला है, देखिए वायुमंडल खुला है, शांत जगह है ना, तो पी वन बराबर पी नॉट, पी नॉट पी जीरो क्या माने हैं उसको, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब। अब यहां क्या करते हैं, पी वन बराबर पी को ले, पी टू बराबर पी को मान लिया, पी टू इक्वल पी, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या किया, पी माइनस पी नॉट इक्वल एच रो जी, पी माइनस पी नॉट इक्वल एच रो जी, वही मान क्या किया रख दिया, पी माइनस पी नॉट इक्वल एच रो जी। अब पक्षांतर कर दीजिए, पी बराबर पी नॉट या पी बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी, इक्वेशन नंबर टू, यही तो है इक्वेशन नंबर दो, ये क्या है दाब है, क्या यह तरल के तल में एच गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब का सूत्र है, समीकरण दो, समीकरण दो को ही दाब का सूत्र कहते हैं, लिख लीजिए समीकरण
दो ही दाब का सूत्र है। ठीक, इसी में गेज दाब आता है। क्या गेज दाब? गेज दाब बराबर यही होता है पी माइनस पी नॉट इक्वल एच रो जी। समान क्षैतिज तल गहराई पर भी सभी जो है बिंदुओं में द्रव का दाब समान होता है, इसको तो लिख लीजिए। और इसी को गेज दाब भी कहते हैं। ये जो है अगर इसको एक तरह से समीकरण तीन मान लो तो लिखो क्या है गेज दाब। ठीक, तो आज जो है इस वीडियो में बस गेज दाब तक। अगले में जो है वायुमंडलीय दाब की चर्चा की जाएगी। इतना आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयार कर डालिए।